मेरा नाम आसमा है, मेरे पापा का नाम जागेराम है, मैं बवाना में रहती हूँ। मैंने आज से 6 साल पहले पवन नाम के लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करी थी। पवन मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता था, मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था, घर पे यार दोस्तों को लेके आता था, शराब पीता था, अपने यार दोस्तों को घर पे बिठा के अपने बहनोइयों को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से जानबूझकर चला जाता था। उसके जाने के बाद उसके यार दोस्त मेरे साथ मिसबिहेव करते थे, बदतमीज़ी करते थे। मैं बोलती चिल्लाती तो बोलते कि हमने पवन को तेरे साथ मस्ती करने के लिए हमने 3,000 रुपये दिए हैं। पवन आता तो मैं बोलती कि ऐसा क्यों, तो बोलता कि नहीं, मैं बोलती कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो बोलता कि जो मैं बोलूँगा तुझे वैसा करना पड़ेगा, तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, या तो तू अपने घर वालों से मुझे पैसे दिलवा या फिर तू उनसे मेरे को हिस्सा दिलवा, अगर ऐसा नहीं करेगी तो जैसे मैं बोलूँगा तुझे वैसे पैसे कमाने पड़ेंगे। मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट करता था, गाली गलौज करता था। 6 जून को 2020 में लॉकडाउन में उसने मेरे को घर से निकाल दिया था। मैं बहुत बीमार थी, बहुत परेशान थी, बहुत बुरी हालत में थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मेरे फ़ोन में भी पैसे नहीं थे। मैंने अपने भाई को ऑटो वाले के फ़ोन से फ़ोन किया, ऑटो वाले के भाई के फ़ोन से फ़ोन किया अपने भाई को। मेरा भाई मुझे रोहिणी सेक्टर 18 से लेके आया, मेरा किराया दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बहुत बीमार, बहुत परेशान, बहुत बुरी हालत में थी। मैं जिस दिन से अपने घर आई हूँ उसी दिन से मेरे मम्मी पापा मेरा इलाज करा रहे हैं, मेरे को दवाई दिलवा रहे हैं। मैं बहुत बीमार थी और मेरे घर आने के बाद वो लोग घर पे आते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरे घर वालों को बहुत परेशान करते हैं, गाली गलौज करके बहुत झगड़ा करते हैं। मैं और होली वाले दिन तो उन लोगों ने हद ही कर दी। मेरे घर पे 20-25 लोग आए और मेरे मम्मी पापा बहन भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करा, गाली गलौज करी, मार पिटाई करी। मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, मेरे कोई बयान नहीं लिए, मेरे कोई हेल्प नहीं की। मेरे पापा 76 साल के बुजुर्ग हैं, मेरा भाई हैंडीकैप है। पुलिस के सामने ही उन लोगों ने मार पिटाई करी, लड़ाई झगड़ा करा, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, मेरे कोई बयान नहीं लिए, कोई हेल्प नहीं की। वापस मेरे घर वालों के साथ मार पिटाई हुई, मेरे ही भाई को लॉकअप में डाला और वो बाहर खुले घूम रहे थे। मेरी मम्मी और मेरी बहन जहाँ काम करती हैं वो वहाँ पे घूमता है, दिन भर चक्कर काटता है, घूमता है, पूछता है कि ये लोग यहाँ काम करते हैं, धमकियाँ देते हैं। ये होली वाले दिन लड़ाई होने के बाद हमने अपना खुद का घर छोड़ के उन लोगों की डर की वजह से हम किराए पे रहने लगे, लेकिन हम अब भी सेफ नहीं है, ना मैं ना मेरे घर वाले। वो लोग धमकियाँ देते हैं, पीछा करते हैं, घूमते हैं, पूछते हैं कि कहाँ रह रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं। और अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन जो मेरे घर वालों के साथ हो रहा है वो कर रहे हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मेरे मम्मी पापा बहन भाई के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, वो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, पीछा करते हैं, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ होता है, मेरे घर वालों को कुछ होता है, तो मेरी मौत के और मेरे घर वालों को कुछ होगा, उसके ज़िम्मेदार पवन, पवन की मम्मी पापा, पवन की चारों बहनें, चारों भाई, उसका भाई, उसकी भाभी, पवन का ताऊ शेरदीन, उसके चारों लड़के, चारों बहुएँ, ये सब लोग जिम्मेवार होंगे। मेरी पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा, आप लोग मेरी मदद करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी हेल्प।